welcome Miss Laxmi Agarwal. हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. हाँ यही सपना है. Thank you so much. First of all, good morning. अब आपको लग रहा होगा कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जब जागो राइट. तो जाग गए आप सब लोग. आप लोग काफी देर से जागे हुए हैं, मैं देख रही हूँ कि काफी अच्छा लग रहा है और काफी माहौल यहाँ पे एकदम परफेक्ट है. बट मैं यहाँ पे कुछ सुन रही थी अपने बारे में, बट मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसे रोने वाला सीन क्रिएट हो, कुछ ऐसा हो. पर लेकिन मेरी स्टोरी ही कुछ ऐसी है. आप में से किस किस को मेरी स्टोरी के बारे में बताए? आवाज नहीं आई? और कोई सुनना चाहता है? सो 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और उस वक्त में मैं 15 साल की थी और एक लड़का था जो 32 इयर्स का था. और उस वक्त में मेरे कुछ सपने थे. आई डोंट नो यहाँ पे किस किस एज के लोग बैठे हो, और यहाँ पे कोई 15 साल का बैठा हुआ है क्या? है कोई? ओह नाइस. तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि जब आप 15 साल के होते हैं, देन जो 15 साल के रह चुके हैं उस वक्त में कैसा महसूस करते होंगे. उस वक्त में क्या लगता होगा? उस वक्त में एक बचपना, शायद एक जवानी की तरफ कदम रखना, अपने सपनों को जीना, यही होता है. तो ऐसे ही मेरे साथ भी था. मैं उस वक्त में 15 साल की थी. मेरा सपना था कि मैं एक सिंगर बनूं. उस वक्त में सारे गमप्पा आते थे, इंडियन आइडल आ रहा था, हुआ था ना ऐसा 2005 में. तो उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है. अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनके लिए सिंगिंग और डांसिंग ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है. मतलब वो सोच ही नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम कुछ और करो. तो मैंने कहा नहीं मुझे यही करना है. तो वो नहीं समझ पाए. लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे जॉब करनी है. तो उन्होंने कहा कि जॉब नहीं तुम कुछ और करो, कोई कोर्स कर लो. तो मैंने कहा नहीं मुझे जॉब करनी है. तो मैंने उनको बहुत पुश किया. उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है. और उसके बाद उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास में खान मार्केट है ना, जानते हैं आप सब लोग. तो खान मार्केट में मैं एक बुक शॉप पे जॉब करने लगी. जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं. मेरा मेन मकसद था कि मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं और सिंगिंग सीखूं और किसी रियलिटी शो में जाऊं. तो उस वक्त में यही सब दिमाग में चल रहा था. मैं बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी, तो यही सारी चीज़ों को लेके चल रही थी. देन उस लड़के ने मुझे अटैक के 10 महीने पहले प्रपोज किया, जो 32 इयर्स का 32 साल का लड़का था. उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं उनको 2.5 साल से जानती थी और उनकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और घर में बहुत अच्छा आना जाना था. तो उन्होंने मुझे जब प्रपोज किया तो मैं डर गई कि इन्होंने ये क्या बोला है मुझे. उस वक्त मैं अपने सपनों के बारे में सोच रही थी और अचानक से कोई शादी के लिए बोल देता है और मैं बहुत कांपने लगी. क्योंकि कभी भी कोई मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में भी बोल देता था तो मैं बहुत डर जाती थी. लेकिन आज मैं डराती हूँ, आज नहीं डरती हूँ. तो उस वक्त में उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया, डर गई. मैंने कहा आज के बाद आप मुझसे बात मत करिएगा, मैं तो आपको भाई की नज़र से देखती हूँ. देन कुछ समय के बाद ही उस लड़के ने मुझे लगातार 10 महीने परेशान किया.
वो कभी मुझे थप्पड़ मार देता था, जो उसके मन में आता था वो मेरे साथ करता था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और अगर एक लड़की अपने घर में बता दे कि ये प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है, तो क्या होता है? स्कूल छुड़वा दिया जाता है, और बदले में पेरेंट्स क्या कहते हैं? स्कूल छुड़वा के शादी करवा देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आज जब मैं बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रही हूँ, जब मैं देख रही हूँ, तो जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो बदले में जो फादर होते हैं वो बदले में ये रिएक्ट करते हैं, और वो सीधे कह देते हैं तुम ही इस दुनिया में बहुत सुंदर लड़की नहीं हो, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, लोग उन्हें क्यों नहीं परेशान करते, वो लड़का उन्हें क्यों नहीं परेशान करता है। यही सवाल मेरा भी उस लड़के से था, तो क्यों नहीं वो फादर जाके उस लड़के से पूछते कि तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सवाल हमसे ही क्यों? और एक डर से एक परवरिश दी जाती है, तो वो डर मेरे अंदर कहीं ना कहीं था और मैं नहीं बता पा रही थी। कुछ समय के बाद उस लड़के ने मुझे फिर से प्रपोज किया। 2005 में 19 अप्रैल को उस लड़के ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगेन उन्होंने मुझे फिर से कहा मैसेज में, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन 21 अप्रैल को उन्होंने मुझे कॉल किया, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि लक्ष्मी तुम तो कुछ करना चाहती हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फ़ोन डिसकनेक्ट। नेक्स्ट डे 22 अप्रैल को वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, गोल्फ लिंक से मैं निकलती हूँ, और उस दिन वो लेडी और वो लड़का दोनों खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक पॉलिथीन होता है, उसमें बियर की बॉटल और ग्लास। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ती हूँ तो अचानक से वो लेडी मुझे घूर घूर के देख रही होती है, तो मैं कहती हूँ लड़के तो देखते ही देखते हैं, आजकल लड़कियाँ भी घूर घूर के देखने लगी हैं। फिर थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ी और अचानक मैंने उनको देखा ही था, और उस बियर की बॉटल में एसिड था। और मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी खान मार्केट, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे पहले बस स्टैंड हुआ करता था। मॉर्निंग 10:45 की बात थी ये, और मैं जैसे ही आगे बढ़ी थी अचानक से मैंने उनको देखा ही था, वो लोग अचानक से आए। उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, और ग्लास में एसिड था वो सीधे मेरे फेस पे डाल दिया, और उसके बाद मैं वहाँ पे बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया हो। और उस वक्त में मैं 3 बार सड़क पे गिरी, और 3 बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। किसी ने कोई हेल्प नहीं की वहाँ पे, और शायद बस आती तो वो शायद मुझे मार देती और मैं मर जाती, कुछ ऐसा होता। लेकिन वहाँ पे फिर लोग जैसे तमाशे की तरह देखते हैं, वैसे ही लोग वहाँ पे आके तमाशे की तरह देखने लगे, जैसे गोल चक्कर बना लेते हैं वैसे ही लोग आके देखने लगे। और उसके बाद काफ़ी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा फ़ोन दे दो, मुझे अपने पापा से बात करना है, मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करा दो, लेकिन कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं था। और उस वक्त में दूर से एक ये हादसा एक अरुण सिंह अंकल ने देखा, वो अचानक आए। आने के बाद 2 लीटर कोक की बॉटल था, उसमें आधा पानी था, और उन्होंने मेरे फेस पर वो पानी डाला, वो एसिड में पानी डाइल्यूट हो गया और वो मेरे गले के पास आ गया और वो जल गया। और उसके बाद PCR बुलाई, तो जैसे ही PCR मुझे लेके जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैं खुद को देख रही थी जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन को जलाते हैं ना, वैसी ही मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी, बहुत स्मेल आ रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे सर पे बहुत भारी पत्थर रखे गए ऐसा महसूस हो रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, तो वहाँ पे मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया, और जैसे ही मेरे पेरेंट्स आए और मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया, तो मेरे पापा की पूरी शर्ट जल गई,
और मेरे को आरएमएल हॉस्पिटल में रखा गया था। वहाँ पे मेरी दो सर्जरीज हुई। मुझे होशो आवाज में मेरी आंखों को सिला जाता था और बहुत पेनफुल था। एक एक दिन मैं 2.5 महीने वहाँ पे रही और डॉक्टर्स ने कहा कि मैं नहीं बचूंगी। शायद मुझे बचना था और वापस आप लोगों के लिए आना था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी। उस वक्त में एक मूवी बहुत ट्रेंड में चल रही थी, खून भरी मांग। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बार सर्जरी हुई और एकदम फेस परफेक्ट हो गया आपका। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी। मेरी दो दो सर्जरी हुई वहाँ पे और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो शीशे में देखना है अपने आप को। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर एसिड डाला गया है और एसिड होता क्या है, कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। उसके बाद 2.5 महीने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने ऐसे लोगों को फेस किया जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। एक्चुअल चीज़ें मैंने फेस की घर पे। पहले तो मेरे घर से शीशे फ्रेम सब कुछ हटा दिए गए, इसलिए क्योंकि मैं अपना चेहरा ना देख लूँ। और उसके बाद वहाँ पे ऐसे लोग सोसाइटी के होते हैं ना, जो आते हैं और फ्री में आके आपको एडवाइस दे के जाते हैं, जिनकी एडवाइस का कोई मतलब नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है उनकी एडवाइस का। और वो आते हैं सबसे पहले, अरे ये तो लड़की है, शादी कैसे होगी? बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों? गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता, शादी कैसे होगी? हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, शादी कैसे होगी? बेचारी। आज मुझे लगता है कि वो बेचारे थे, मैं नहीं। उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ क्या है? मुझे खुद को देखना है। और अंदर से मन के अंदर एहसास होने लगा खुद को देखने का। तो उस वक्त में मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को शीशे के सामने देख ही लिया। दो ऑपरेशन हो चुके थे, हाँ, लेकिन सोसाइटी वाले उससे पहले पेरेंट्स को एक सलाह ज़रूर देके गए थे कि एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। आपका तो एक बेटा भी है, वो आगे आपकी पीढ़ियां बढ़ाएगा, इसकी शादी कैसे होगी? ये लोग बोलने लगे। उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। और खुद को फिर मैंने शीशे के सामने जब देखा तब रियलाइज किया मेरे पूरे बाल कट चुके थे और सर में बाल नहीं थे। जैसे हम एक पेंटिंग बनाते हैं और पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है उस पेंटिंग का, जब हम उससे पूरा मैस कर दें या हम उस पर पानी डाल दें वो पूरा बिगड़ जाता है, ऐसे ही मेरे फेस का नक्शा बिगड़ चुका था। मेरी आंखें निकल चुकी थी, लिप्स नोज नहीं था, सब कुछ खराब हो चुका था। बहुत पेनफुल था खुद को देखना। तब मुझे एक चीज़ लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। तब उस वक्त में खुद से ही एक एहसास किया, डिसीजन ले लिया 2 मिनट के अंदर ही अंदर कि एक काम करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लूँगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं ठीक है सुसाइड कर लेती हूँ, पर उस वक्त में एक एहसास हुआ कि सुसाइड तो मैं कर लूँगी, 2 मिनट में मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी तो डेथ हो जाएगी और जीत क्राइम की ही होगी। और उस वक्त में जो गलती मुझे रियलाइज हुई कि जो गलती मैंने पहले की थी अपने पेरेंट्स से बात ना करके, जिनको मैंने गलत समझा और वो 2.5 महीने तक मेरे साथ लगातार परेशान हुए, और आज मैं सुसाइड करके वही गलती करूंगी, तब रियलाइज हुआ कि क्यों लक्ष्मी, कल को ऐसा भी हो सकता है तुम तो सुसाइड कर लोगी
और कल को लोग तुम्हारे पेरेंट्स को ही बोलेंगे, और कहीं एक दिन ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी सुसाइड करना पड़ जाए और लोग यही कहे पेरेंट्स को कि ये लड़की थी, इसी ने ही गलती की होगी। तब मुझे लगा कि मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ। जब मैंने अपने पापा से बोला, मम्मी से कहा कि पापा मम्मी मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, मेरी क्या गलती है, एक काम करो मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। मैंने खुद अपने पेरेंट्स से ये बात कहा। मेरे लिए आसान था कहना, उनके लिए सुनना था उतना ही मुश्किल। तो उस वक्त में मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें अपने चेहरे से प्यार होगा, और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ। अगर हम चाहे तो मुश्किलें होंगी, अगर हम ना चाहे तो कोई मुश्किलें नहीं होंगी। उस वक्त में, उसके बाद 2006 में एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। उस वक्त में मुझसे पूछा गया कि लक्ष्मी तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो, तो उस वक्त में मैंने कहा कि क्या ये बिकना बंद नहीं हो सकता है। उस वक्त में सब लोगों ने, सारे दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने, सब ने साथ छोड़ दिया, पर मेरे पापा की बॉस, मेरी लॉयर और मेरे पापा मम्मी पूरी दुनिया बने रहे मेरे लिए। उस वक्त में मैंने ये चीज़ बोली, जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो एसिड बैन नहीं हो सकता है क्या। तब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला एसिड को बैन करने के लिए। उसका रिजल्ट 2013 में आया कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, जो भी बेचेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो खरीदेगा उसके पास ID प्रूफ होना चाहिए। तो उसके बाद भी लगातार एसिड अटैक हो रहे हैं, उसके बाद लगातार एसिड बिक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कानून कितना भी बन जाए, उसमें इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा उस कानून का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि 2012 में निर्भया आंदोलन जब हुआ था, तो उस वक्त में लोगों ने 4 दिन से 5 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, क्या वो सही था? क्या वो सही था? क्यों नहीं? क्यों नहीं सही था वो? अगर वो 4 दिन की जगह 15 दिन होता तो मैं गारंटी से कह सकती थी कि कानून, सरकार झुक जाती। आखिर में कानून को सजा देनी ही पड़ती। आपको पता है जो उसमें से सबसे छोटा लड़का है वो आज कहाँ है, जिसने सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम किया था वो इस वक्त में कहाँ है? वो बैंगलोर के 5-star होटल में एज अ शेफ काम कर रहा है। इसके लिए कौन शर्मिंदा होगा? हम लोग, क्योंकि जो सोसाइटी है वो हम लोगों से ही बनती है। 2009 में मैंने अपनी लाइफ में एक सबसे बड़ा चैलेंज लिया,
और वो ये चैलेंज था, मैं 2005 से 2009 तक अपने फेस को कवर करके चलती थी। तो उस वक्त में मुझे ये रियलाइज हुआ, जैसे मेरे पेरेंट्स ने सोचा, सोसाइटी बोलती है उनको पुश करती है, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना ये लड़की है, इसको हाथ का काम सिखाया जाए। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ब्यूटिशियन सीख लो, पापा ने कहा कि ड्रेस डिजाइनिंग टेलरिंग सीख लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं वो सीख लेती हूँ। तो 9 में मैंने खुद की ड्रेसेस बनानी शुरू की। तो उस वक्त में मैंने फिर से खुद को शीशे के सामने देखा और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इस ड्रेस को पहनने का क्या फायदा जब मैं अपना फेस कवर करके चलती हूँ। तो उस वक्त में मैंने अपनी मैम से मम्मी से पूछा कि मुझे फेस कवर करके चलना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी लाइफ है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। तो उस वक्त में ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था, मैंने फेस ओपन किया। उस वक्त में ये रियलाइज हुआ कि क्राइम मैंने नहीं किया, मेरे साथ क्राइम हुआ है। जिसको भी प्रॉब्लम है मुझसे, मेरे फेस से, वो अपना फेस ढक के चले, मैं अपना फेस नहीं ढकूंगी। क्योंकि जिसने क्राइम किया है वो भी इसी सोसाइटी से है, और जिसके साथ क्राइम हुआ है वो भी इसी सोसाइटी से है। तो किसको फेस ढकना चाहिए? जिसको शर्म आ रही है वो अपना फेस ढके। और उसके बाद ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ी। और आपको पता है फिर उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आने लगे, और उस वक्त में बहुत कमेंट आते थे कि पीछे से तो बहुत सुंदर दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कॉमेंट करती होंगी या लड़के? हाँ, लड़कियाँ और लड़के। कितना स्लो हो गया सब कुछ ना लड़कों के मामले में, क्यों ऐसा? क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि लड़कियां मुझे कमेंट करती थी और लड़के नहीं? ऐसा क्या होता था? जेलेसी? एक्चुअली में अब मेरा सवाल आप लोगों से एक ये है कि कौन कौन चाहता है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए? लड़के बताए, देना चाहिए? और लड़कियां क्या चाहती है? रिस्पेक्ट चाहती है? मैं नहीं चाहती। मैं अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहती हूं, रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाएगी। वो रिस्पेक्ट ही क्या जिसे भीख में मांग के ली जाए और आगे बढ़ा जाए? और अगर आज जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है वो मेरी हिम्मत से, मेरे काम से। आप मेरे काम से मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे से नहीं। ट्वेल्व में मेरी लाइफ का एक और चैलेंज जो मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि अटैक चाहे वो कोई भी हो, वो एक पर्सन पे नहीं उसके पूरे परिवार पे होता है। तो उस वक्त में मेरे भाई को टीबी हो गया था, हम दो बहन भाई थे। देन उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, और फादर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जॉब के लिए काफी जगह सरवाइव किया, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। कॉल सेंटर्स में जाती थी तो लोग कहते थे कि कस्टमर देख के डर जाएंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है कि कॉल पे कौन कस्टमर देख के डरता है? तो लोग ऐसे बोलते थे। तो उस वक्त में यही चीज़ रियलाइज हुई, लोग बुलाते थे, स्टोरीज पूछ लेते थे, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं होता था कि इनको जॉब की ज़रूरत है। उस टाइम पर बहुत सर्वाइव किया। देन वो सब चीज़ें जो हो रही थी, नेगेटिव चीज़ें, अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब हमारी सोसाइटी में नेगेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं, तो पॉजिटिव चैलेंज क्यों नहीं हो सकते? होना चाहिए या नहीं? नेगेटिव चैलेंज तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उस वक्त में जिन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से गलत गलत बोला, उनको मैं आज थैंक्स बोलती हूँ, इसलिए क्योंकि
अगर वो नेगेटिव नहीं बोलते तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं आती, और अगर जो मेरे अंदर इतना गुस्सा आया वो पॉजिटिव गुस्सा आया। उस लड़के को 2009 में बिना कानून के 10 साल की सजा दिलवाई। 2012 में एसिड अटैक पे कानून आया था कि 326 एक्ट ए और बी 10 साल की पनिशमेंट है कोई भी एसिड अटैक पे। और अब वो 2009 में उस लड़के को 7 इयर्स की सजा, लड़की को 7 इयर्स की सजा हुई और लड़के को 10 इयर्स की सजा हुई। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे बोला कि लक्ष्मी तुम्हें नहीं लगता है कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, होनी चाहिए थी फांसी की सजा? पक्का? उसको आज फांसी की सजा मिली क्योंकि आज मैं यहां हूं। फांसी से बढ़कर सजा मिली है उसको, क्योंकि अगर आज वो जिंदा है, उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक ये सोच के किया था कि ये चार दीवारी में कैद रहेगी, ये मेरी नहीं हो सकी तो ये किसी की नहीं हो सकती है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कल तक तुम मुझे पाना चाहते थे, आज मैं पूरी दुनिया की हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, एवरीडे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एवरीडे सबको लगता है कि एसिड अटैक हुआ या कोई बड़ा हादसा हुआ, यही एक प्रॉब्लम रह गई। नहीं, इसके अलावा भी मेरी एक हर दिन की, जब भी मैं बहुत सारी चीज़ों में सर्वाइव कर रही हूँ। हर कोई लोग कहते हैं कि विक्टिम, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। तो यही चैलेंज आप लोगों को भी लेना है कि एवरीडे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ एक एज अ फ्रेंड की तरह होना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव अपना परिवार ही करता है हमेशा। जब भी हमारे परिवार में हमारा बच्चा जब भी हमसे कुछ कहता है तो उस वक्त में हम सल्यूशन की जगह रिएक्ट करते हैं अपने बच्चों को। तो रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। जितना हम टाइम वेस्ट करते हैं अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को मनाने में, दोस्तों को मनाने में, अगर उसका 5 मिनट भी हम अपने परिवार को दें। एंड्रॉयड कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंड्रॉयड की वजह से हम अपने परिवार से भी अलग हो रहे हैं। जब आप डिनर पे जाते हो, लंच पे जाते हो, तो क्या होता है, सबके सब मैं अपडेट तो कर दूं कि मैं कहाँ पे हूँ, यही होता है ना। मतलब हम टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो सच में हमारी वैल्यू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने परिवार वालों के साथ बहुत नॉर्मल जोन में आइए, दोस्ती जोन में आइए। दूसरा ये कि आपके अंदर हिम्मत है। हम हमेशा डर जाते हैं, हम हमेशा डर के मारे कभी किसी को कुछ बता नहीं पाते, और जिनको हम बताते हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परेशान हूँ और मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, और यह आप लोगों के साथ भी होता होगा, और मैं कहती हूँ कि मैं इस परेशानी में घिरी हुई हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपका फ्रेंड आपको क्या कहता है? रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। वो चीज़ें 1 महीने तक चलती है। और अगर हम उस चीज़ को नॉर्मल तरीके से लेके, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में हम हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन भी हमारे पास है, पर हम इतने उलझ जाते हैं उस प्रॉब्लम में कि हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा ये कि अपनी चीज़ों को अपने आप से रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल है ना, वो ट्रेंड में चला हुआ है डिप्रेशन, वो एक ट्रेंड बन गया है। हर घर में डिप्रेशन हो गया, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। वो क्यों, क्या रीज़न है उसका? या आप खुद से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम होती है कि हम इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। और एवरी डे आप क्या कर सकते हैं, आज आप घर जाएंगे और जाने के बाद आप जब भी सोने से पहले
ये सोचिए कि कल मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चैलेंज आने वाला है, और जैसे ही आपके पास वो चैलेंज आएगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है, देन वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, और खुद भी आप उस चीज से बाहर निकलेंगे और दूसरे को भी निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आके अपनी स्टोरी को शेयर करके। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे जोरदार क्लबिंग।